केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अक्सर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो एक कार्यक्रम में बोलने के लिए जब पॉडियम पर पहुंचे तो माइक काम नहीं कर रहा था। इसके बाद तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पारा हाई हो गया। उन्होंने माइक छीनकर ले लिया और संचालन कर रहे व्यक्ति को ऐसा धक्का मारा कि जैसे तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो, लेकिन यहां तो केवल और केवल एक माइक ही खराब हुआ था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मंच पर जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गजब भड़के, चौबे को बोलने के लिए बुलाया गया, साथ में यह भी कहा गया सिर्फ 2 मिनट ही बोलना है, बाद में और भी बोलने का मौका मिलेगा। पोडियम पर अश्विनी चौबे पहुंचे और जैसे ही बोलना शुरू किया तो पता चला कि माइक तो काम ही नहीं कर रहा। संचालन कर रहे व्यक्ति अपना माइक अश्विनी चौबे को देने पहुंचे, तब तक तो अश्विनी चौबे का पारा हाई हो चुका था। माइक छीना और उन्हें ऐसा धक्का देकर वहां से बाहर कर दिया, साथ ही पॉडियम पर लगे माइक को गुस्से में मरोड़ कर रख दिया। ये गुस्सा भयंकर यहां पर देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में कुछ यूजर लिख रहे हैं कि जिसको थोड़ा भी सब्र नहीं, ऐसे लोगों को कौन जिताकर मंत्री बना देता है, और कोई कह रहा है कि वो लोग धन्य हैं, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। एक यूजर लिखते हैं, सरकार के मंत्री कहते हैं हम गरीबों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, देख रहे हो। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रियाएं तो आती जाती रहेंगी, आपकी क्या है प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।